अब बारी एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिनका कार्यकाल हल्का पर जलवा बड़ा भारी था। बड़े ही कम दिनों के लिए यूपी की सत्ता इनके हाथ में आई थी, पर उतने में ही प्रधानमंत्री तक के छक्के छुड़ा दिए थे। आजकल की भाषा में कहें तो भौकाल बड़ा टाइट था इनका। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, हमारा खास कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। आज की इस पारी में हम आपको बताएंगे यूपी के ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जो खुद को चोर कहता था, पर जब दुनिया को अलविदा कहा तो अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए ही मिले। 14 जुलाई 1902, ये वही दिन है जब अलीगढ़ के बिजौली ने यूपी के तीसरे और 3 बार यूपी पर राज करने वाले मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को जन्म दिया। इनके पिता हीरालाल सामाजिक व्यक्ति थे। चंद्रभानु का मन भी समाज सेवा में रम गया, फिर आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। शादी भी नहीं की, शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी में हुई, फिर लखनऊ चले आए और लॉ पूरा किया और यही वकालत शुरू कर दी। फिर क्या, एक बढ़िया वकील बन गए। वैसे एक बात है, उस वक्त के ज्यादातर नेता जाने माने वकील ही होते थे। उस वक्त बहुत कम ही लोग थे जो लॉ की पढ़ाई करते थे, और जो पढ़ाई कर लेता था वो छा जाता था। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रभानु भी आजादी की लड़ाई में उतरे। सीतापुर में रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना उस वक्त जवानी की निशानी थी। खैर, ना उठाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कॉम्पिटिशन जो इतना था। साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए, करीब 10 बार जेल गए। हाँ, मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव दल के वकीलों में एक चंद्रभानु भी थे। और फिर आया जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। अरे, अब इतना कुछ होने के बाद खुद को साबित भी तो करना था। फिर क्या, 1926 में कर लिया कांग्रेस ज्वाइन। फिर क्या, किस्मत और मेहनत दोनों रंग लाती गई और धड़ल्ले से आगे बढ़ते गए। कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम किया। 1937 के चुनाव में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। फिर स्वतंत्रता के बाद 1946 में बनी पहली प्रदेश सरकार में वो गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में सम्मिलित हुए। फिर 1948 से 1959 तक कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी नेहरू को चंद्रभानु भाते नहीं थे, पर धीरे धीरे चंद्रभानु यूपी की राजनीति में बड़ा ताकत बनते जा रहे थे। कहा जाता है यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने साष्टांग करते थे, जो कि नमस्कार करने का एक तरीका होता है। और फिर बारी आई कुछ बड़ा करने की। 1960 में मुख्यमंत्री बने। वैसे उस वक्त ये रानीखेत साउथ से विधायक थे, पर संपूर्णानंद के मुख्यमंत्री रहते हुए पॉलिटिक्स बड़ी जटिल हो गई थी, कई पुर्जे बन गए थे कांग्रेस में। ऐसे में संपूर्णानंद को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया और चंद्रभानु को यूपी का मुख्यमंत्री। लेकिन इससे केंद्र के नेता में खलबली मच गई। ये वो दौर था जब केंद्र में नेहरू की सत्ता को कांग्रेस के लोग ही चुनौती देने लगे थे, एंड नेहरू डिडंट लाइक इट। देन 1963 में के कामराज ने नेहरू को सलाह दी कि कुछ लोगों को छोड़कर सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को रिजाइन कर देना चाहिए, जिससे कि स्टेट सरकारों को फिर से ऑर्गेनाइज किया जा सके। कहा गया कि कुछ दिन के लिए पद छोड़ दीजिए, पार्टी के लिए काम करना है। पर चंद्रभानु की नजर में ये था कि सारा गेम इसलिए हो रहा है कि नेहरू जिसको पसंद नहीं करते वो चला जाए। उन्होंने मना कर दिया, पर इनको समझा लिया गया कि ये कुछ दिनों की ही बात है, फिर से आपको बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री। पर ऐसा नहीं हुआ। कामराज प्लान के तहत चंद्रभानु को आदर्शों की दुहाई पर पद छोड़ना पड़ा। जनतंत्र पर तानाशाही का बड़ा ही डेमोक्रेटिक वॉर था ये। चुने हुए नेता को नापसंदी की वजह से पद से हटना पड़ा, पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी राजनीति में उनका प्रभाव बना रहा। किस्मत की बात है, 1967 के चुनाव में जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार सिर्फ 19 दिनों के लिए। फिर से वही किस्मत, किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस को तोड़कर अपनी पार्टी बना ली। चंद्रभानु की सरकार गई, चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए, पर वो सरकार चला नहीं पाए, वो सरकार भी गिरी और चंद्रभानु गुप्ता को आनन फानन में मुख्यमंत्री बना दिया गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस को हमेशा के लिए बदल दिया। 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई। यहीं से अधिकांश नेताओं के साथ चंद्रभानु के करियर पर भी ब्रेक लग गया। वैसे इनके बारे में पढ़ने में पता चलता है कि हमारी आजकल की भाषा में बड़े चिल थे। विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया था, पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा देते थे। एक दिन डिनर पार्टी में खुद ही मजाक करने लगे, आप लोगों ने सुना, गली गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है। पर ये कितने बड़े चोर थे कि इनके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए थे। देखा है कभी आपने ऐसा चोर। खैर, इनके करियर पर ब्रेक लगने के बाद भी मोरारजी प्रधानमंत्री बने।
चंद्रभानु को मंत्रिमंडल में पद ऑफर किया, पर चंद्रभानु की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, मंत्री पद लेना मुनासिब नहीं था, उन्होंने मना कर दिया और फिर 11 मार्च 1980 को इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रभानु गुप्ता एक अलग नेचर के राजनेता माने जाते थे। उनका जुमला बड़ा मशहूर था कि जो भी करो वो हट के करो। हालांकि कहा यह भी जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रभानु गुप्ता का ये अंदाज बड़ा निराला था। आज की इस पारी में बस इतना ही, पर नए मुख्यमंत्री के नए किस्सों से जल्द आपको रूबरू करवाएंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।